ध्यान के द्वारा शुद्धि हो सकती है, मुद्राओं के द्वारा हो सकती है, प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा, योगिक मसाज के द्वारा, 12 तरह की योगिक मसाज होती है। रीढ़ की हड्डी में ही सारा शरीर रीढ़ की हड्डी से संचालित होता है। तो रीढ़ की हड्डी के संबंध में हमने बहुत बड़ा अपनी पुस्तक विशेष में लिखा है, कमर दर्द नाम की एक पुस्तक है, आश्चर्यचकित कर देने वाली है। रीढ़ की हड्डी आपके शरीर का सारा बेस है, उस पर निर्भर करता है। रीढ़ की हड्डी के 32 टुकड़े हैं, उन टुकड़ों कौन से टुकड़े में गड़बड़ पैदा हो गई, कौन सी वेन दब गई और उससे कौन सी बीमारी शरीर में हो गई, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और मुद्रा विज्ञान के द्वारा गायत्री की 24 मुद्राएं पहले और 8 बाद में की जाती हैं, 32 मुद्राएं होंगी, वो इसके साथ तालमेल है। और एक एक मुद्रा से एक एक गुरिये का टुकड़े का, उन 32 टुकड़ों का और रिंग हो जाता है। उसके साथ ही प्राणायाम, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम किया गया, तो बताइए कैसी अजीब बात है, उससे आपके अंदर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा। ये गाड़ी का शरीर का, ये शरीर कुदरत की सबसे अजीब गरीब मशीन है। एडवांस 10 कंप्यूटर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसमें ऐसी ऐसी यूनिक टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं हम, इसके द्वारा कैसे क्या कुछ ऋषियों ने आज से कितने लाख वर्ष पहले ऋग्वेद लिखा गया। बाहर के पाश्चात्य लोग कहते हैं ईसा से 75,000 वर्ष पहले ऋग्वेद लिखा गया, चलिए इतना तो माना, तो ईसा से 75,000 वर्ष पहले हम इतने ज्ञानवान थे कि ऋग्वेद लिख दिया गया हूं अकॉर्डिंग वेस्टर्न साइंटिस्ट, वेस्टर्न जो विद्वान है उन्होंने कहा उनके, मेरे हिसाब से तो कई लाख वर्ष पहले ऋग्वेद चारों वेद धीरे धीरे करके सामने आए, वो बहुत बड़ी बात है और उन्हें ज्ञान बड़ा पड़ा है। आज तो वेद बहुमुखी प्रतिभा रखते हैं, 6-7 शास्त्र जानने वाला व्यक्ति ही ज्योतिष 6 शास्त्रों में एक है, संगीत 6 शास्त्रों में एक है और निरुक्त 6 शास्त्रों, व्याकरण 6 शास्त्रों में से एक है। और इस प्रकार आप शिक्षा छंद ये हमारे 6 शास्त्र हैं, और 6 शास्त्रों को नहीं जानता जो आदमी, जो मेडिकल साइंस को नहीं जानता वो मेडिकल साइंस के शब्दों का अर्थ कैसे करेगा। अथर्ववेद में तमाम मेडिकल साइंस बड़ी पड़ी है और हमारा विषय 8 से संबंधित है, हृदय रोग से संबंधित है, वो तमाम मंत्र ऐसे ऐसे यज्ञ की विधियां, कौन सी सामग्री किस यज्ञ में डाली जाए, हार्ट अटैक से संबंधित व्यक्ति के लिए मृत संजीवनी मंत्र का यज्ञ करना है तो मैं कौन सी इस मृत संजीवनी मुद्रा के द्वारा हवन करूंगा और वो मृत संजीवनी मंत्र बोलूंगा, कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, टीबी का रोगी हो तो कौन सी संविधाएं होनी चाहिए, चिड़ की लकड़ी की संविधाएं क्या क्या है। और चिड़ की लकड़ी जानते हो क्या, प्राचीन काल में टीबी का मरीज होता था तो उसको डॉक्टर लोग कहते थे इन्हें पहाड़ों में ले जाओ जहाँ चीड़ के पेड़ ज्यादा है, चीड़ के पेड़ से लगी हुई हवा इनको सहायता करेगी रोग को ठीक करने में, इसीलिए चीड़ की लकड़ी की संविधाएं टीबी के मरीज को ठीक करने के लिए हमारे यहाँ बताई गई हैं। और भी तमाम बड़ा जबरदस्त यज्ञ विज्ञान है, यज्ञ विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, कौन से मुहूर्त में कब किस दिन मरीज को दवा दी जाए, कब कैसा, एक दिन में कई मुहूर्त होते हैं चौघड़िया के हिसाब से, वो बड़ी जबरदस्त एक विद्या है, उसको हमें जाने। और चिकित्सा शास्त्र, मंत्र शास्त्र, औषधि, किस पेड़ को किस औषधि को किस मुहूर्त में उखाड़ने जाना है, पहले उस औषधि को निमंत्रण दिया जाता था, कहा जाता कल हमको आपको उखाड़ेंगे, आप हमारे रोगी को ठीक करना, और वो अगले ठीक टाइम पर लग गए हम औषधि उखाड़ी, उसको नमस्कार किया पहले, और तब औषधि के भी देवता होते हैं, वो शक्ति होती है उसमें, अलौकिक शक्तियों से संपन्न है वो, मंत्र भी देवता, मंत्र का भी देवता है, मृत संजीवनी मंत्र का देवता भगवान शंकर को कहा गया। इस प्रकार
और ये प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और ताली बजाने वाली क्रिया, आप समझिए ना कैसी बात, कितना सारा आप मुरब्बा बन गया। ये ऐसी अद्भुत औषधि दी जा रही है उस हार्ट अटैक के मरीज को, वो ठीक होगा या नहीं? बिल्कुल ऐसा। मैंने एक बीमारी को पकड़ने की बजाय सारी शरीर का ओवरहॉलिंग कंप्लीट शुद्धिकरण कर दिया, कुछ भी है वो सब बीमारी भागकर बाहर खड़ी हो जाएगी, चली जाएगी। अब मेरी शरीर की गाड़ी, जीवन की गाड़ी स्मूथली चलने लगेगी, एक अद्भुत बात हो जाएगी। यह मृत संजीवनी मुद्रा है अपने आप में, यह यूनिक है। वो प्राणायाम मैंने बताया, वो अपने आप में यूनिक है, और मृत संजीवनी मंत्र